दादा ऑफ साइड पे जब आप गैप निकालते थे वो तो मतलब ऐसे होता था जैसे पत्री में लिखा हुआ है कि ऑफ साइड पे कितने भी फील्डर लगा दें आप उनके बीच में से बॉल को भेज देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण आप किसे बोलेंगे? क्योंकि एक होता है कि आप चढ़ के आगे शॉट लगाते हैं, आपका लीन होता था, आप शॉट में प्यार से आते थे जैसे बस सो के उठ के उठे और प्यार से मार, क्योंकि सर जाता था बॉल के ऊपर। आप ब्रायन लारा को देखेंगे, उनका पैर भी पैर हमेशा बॉल के ऊपर नहीं जाता था, लेकिन उनका जो सर है वो लीड करता था, उसी से हाथ से मैनेज हो जाता था। ये हाथ और सर का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जरूरी है बैटिंग में। तो एक बार अगर आप पोजीशन में आएंगे, जितने हमारे युवा दर्शक देख रहे हैं उन्हें हम दिखाएं, यूजुअली जब ड्राइव होती है इधर आप मीट करते हैं जाता है, आपकी सिर के साथ में लाइन इस लाइन पे मीट करता था, इसी वजह से ये जो पूरा एरिया है आराम से गैप होता था और सबकॉन्शियस माइंड में फील्ड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता था, पॉइंट कवर मिड ऑफ। और जब सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज हो तो अब उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अब आपके अगर हाथों पे हम अगर थोड़ा फोकस लाएंगे, क्योंकि एक बार आपने दृश्य बिठा लिया, एक बार आप आगे भी आ गए, लेकिन फिर भी जो बॉटम हैंड और लीडिंग हैंड है उसका कॉम्बिनेशन, तो अगर आप दो शॉट्स बताएं, एक जब आप स्क्वायर हल्का सा खेलते थे और एक जब आप थोड़ा और स्ट्रेटर खेलते थे, तो उन हाथों पे फोकस करेंगे वो कलाइयां कैसे घूमती थी। देखिए जब आप स्टांस पे खड़े रहते हो और जब बॉलर आता है बॉलिंग करने, आप हमेशा सोचते हो कि मैं सीधा खेलूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में हजार चीज चल रहा होगा, छोटा डालेगा कि आगे डालेगा, आउट स्विंग डालेगा कि इन स्विंग डालेगा। आप इतनी चीज सोच के बैटिंग नहीं कर सकते। आप जब स्टांस पे खड़े होते हो और जब बॉलर अपनी गेंदबाजी शुरू करते हैं, आप यही सोचते हो कि सामने के बॉल के लिए तैयार रहना, क्योंकि सामने के लिए बॉल के लिए तैयार रहोगे तो आपकी बॉडी वेट सामने की तरफ जाएगी, जो बैटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट ऐसा होता चला गया तो फिर आपके शॉट्स बंद हो जाएंगे, आप सामने भी नहीं जा पाएंगे, छोटा बॉल भी आप नीचे बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका सारा वेट पीछे के पैर में होगा। वेट होना चाहिए सामने के पैर में, और ये जो बैक फुट है ये फ्री होना चाहिए हिलने के लिए। अगर इस पर सब वेट डाल दोगे तो ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, तो आपको इसको फ्री रखना है बैटिंग में, इसीलिए वेट आगे। और एक चीज सोचना कि सीधा खेलूंगा, आगे गिरा तो सामने खेलने की कोशिश करूंगा, फिर आप सामने जाते हो, जब पिच पे नहीं पहुंचते हो तब आप रिस्ट से एडजस्ट करते हो, लेकिन अगर आप पिच पहुंच गए तो आपको सीधा खेलना है, सीधा मिड ऑफ पे पंच करना है। लेकिन एक और जो थ्योरी होती है कि अगर आप बहुत स्विंगिंग कंडीशंस में खेल रहे हैं, गेंद तेज आ रही है, तो स्विंग को निगेट करने का भी तरीका, अगर गेंदबाज छोटी भी रख रहा है बैक ऑफ द लेंथ, क्रीज से थोड़ा हल्का सा आगे आके, तो उस टाइम आप स्टांस चेंज करते थे? डिपेंड करते हैं, या अगर इन स्विंग आ रही है थोड़ा सा गार्ड चेंज है? नहीं करते थे, जब जिस पिचों पे जहां बाउंस होता था, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वहां पे मिडिल स्टंप पे खड़े होते थे, लेकिन इंग्लैंड में लेग स्टंप, और जहां पे सी मूवमेंट ज़्यादा है वहां पे ज़रूरी है आगे जाना, आपको पूरा आगे जाना है स्विंग और सीम को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर आप पीछे खड़े रहोगे, आपका लेंथ सामने है, तो बल्ला आगे जाना शुरू होता है जिससे कि बॉल पीछे जाने शुरू होते, तो आप कोशिश करोगे जहाँ पे स्विंग होगा तो वहाँ पे आगे जाना है, आगे जाके बॉल को नीचे मीट करना है सर पे, और जहाँ बाउंस है वहाँ पे आप फिर भी मैनेज कर सकते हो छोटी छोटी कदम से, क्योंकि फिर आपको पीछे जाना पड़ता है ज़्यादा। बाउंस में आप फ्रंट फुट में बीट हो गए तो पीछे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बाउंस नहीं है, अगर फ्रंट फुट पे बीट हो गए तो पैड पे लगना शुरू हो जाए है, तो वो जरूरी है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इन दोनों जगह आपको आगे जाना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आपको बैक फुट में कवर करना है, क्योंकि वहाँ पे बॉलर्स होते हैं हिट द डेक बॉलर्स, बैक ऑफ अ लेंथ डालते हैं, तेज कैरी और बाउंस होता है, तो आपको कवर करना है, बॉल के पीछे जाना है, ये फेस खोलना नहीं है, फिर यहीं से लग के पीछे जाएगा। मेरा अगला सवाल वही आने वाला था, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में, खास करके अगर आप पर्थ पे खेल रहे हो या वांडरर्स पे खेल रहे हो जहाँ उछाल काफ़ी है, और जो जिन गेंदबाजों के खिलाफ आपने खेला, चाहे एलन डोनाल्ड हो या फिर ग्लेन मैकग्रा हो, वो आपको डालते रहेंगे वहीं उसी टाइम पे, तो स्लिप्स गली इनको एकदम निगेट कैसे करें कि ये प्ले में आए ही ना? देखिए बाउंसी और पेसी विच पिचेस में जो शॉट आपको बंद करना है वो है बैक फुट कवर ड्राइव, क्योंकि फिर तब बाउंस के साथ आप बॉल गली पे जाना, थर्ड स्लिप पे जाना शुरू हो जाता है। आप आइधर कवर करके डिफेंस करें, नहीं तो रिस्ट ड्रॉप करें, और अगर शॉट मारना है तो आपको कट मारना है, कट क्योंकि ऊपर से कंट्रोल ऐसे आता है, बाउंस हुआ तो उसके साथ आप ऊपर मार सकते हैं, बाउंस नहीं हुआ तो उसके साथ नीचे मार सकते हैं, लेकिन जब तक सेट ना हो, जब तक पूरा कंट्रोल में ना हो, ऐसे अक्रॉस जाके पंच करना मुश्किल शॉट है, क्योंकि इससे लग के जाता है गली और थर्ड स्टेप के पास।